हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ब्लॉग वीडियो, टॉप स्टॉक, सक्सेस स्टोरी और बहुत सारे हमारे वीडियोस अभी जा रहे हैं बीएचयू के काउंसलिंग यूजी एंड पीजी के ऊपर, ठीक है। और अभी मेरे कंटिन्यूअस वीडियोज जो मॉर्निंग से गए हैं, बहुत अच्छी वॉचिंग आई है, बहुत अच्छे उसके लाइक्स, कमेंट्स। प्लीज ऐसे अपना सपोर्ट एंड लव बनाए रखिए चैनल के साथ, हम आपका पूरा साथ देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा एक बात ध्यान रख लेना कि अवेयर रहना, अपडेट रहना। चैनल पे अपडेट रहोगे तो अपने आप वहां की चीज हम आपको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ऑफिस की चीजें आप तक पहुंचाने का एक मीडिएटर का काम अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और इस घंटे को भी दबा लेना दोस्तों, ठीक है, जो आपको वहां पे दिख रहा होगा, जिससे कि आपको अपडेट्स वगैरह कोई छूटने ना पाए। आज मैं बात करने वाला हूं बीएचयू काउंसलिंग स्पेशल एपिसोड चल रहा है, रेगुलर और पेड सीट सभी कोर्सेज यूजी पीजी दोनों के लिए। ध्यान रखना कि आपको पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कितना करना है, अभी से क्या तैयारी करके रखनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी तैयारी करके रखो। समझ आ रहा ना, पूरी तैयारी मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, डॉक्यूमेंट से लेके पेमेंट से लेके आप एकदम अवेयर रहो कि हाँ मुझे जाना है और मेरी काउंसलिंग इतने घंटे में होगी और इतने टाइम बाद मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं रेगुलर सीट की फी की बात करूंगा। तो रेगुलर सीट में किसी भी, रेगुलर मतलब यहां पे एफएमसी से एफिलेटेड इधर कर दो, एफएमसी इधर कर दो, ठीक है। मतलब मैं अभी एफएमसी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की बात कर रहा हूं। किसी भी कोर्स में लड़का हो, चाहे यूजी के किसी कोर्स में हो, बी आर सोशल साइंसेस में हो, बी कॉम में हो, एग्रीकल्चर में हो, मैथ में हो, बायो में हो, किसी भी कोर्सेस रेगुलर सीट पे होना चाहिए एफएमसी में। उसके लिए कितना अकाउंट में पैसा रखना है ये बात मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो मिनिमम 3000, ठीक है, 3000 आप मनी अपने अकाउंट में सेव करके रख लो। कितना? 3000 एफएमसी रेगुलर सीट के कोर्सेज के लिए, ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं पेड सीट की बात करूं किसी भी कोर्स में, ध्यान रखना अभी मैं यूजी का बता रहा हूं, ठीक है, पीजी का भी मैं बताऊंगा अभी। तो पेड सीट की बात करें तो इसके लिए जो आपका पेमेंट रखना है एफएमसी के लिए, एफिलेटेड मत जाना, अभी एफिलेटेड नहीं छोड़ा हूं मैं, 10,000 आपका ये और प्लस एडिशनल रेगुलर सीट की फीस। होता क्या है कि जब एफिलेटेड में, जब आप पेड में जाते हो तो पेड सीट की जो होता है वो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है विथ रेगुलर सीट फी। तो रेगुलर सीट मैं समझता हूं कि अगर आपकी फीस 3000 है तो 10 और 3 13,000 रुपए आपको अकाउंट में सेव करके रखना पड़ेगा, बी आर सोशल साइंस या बी कॉम या एग्रीकल्चर मैथ बायो में जाते हो तब, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये मैंने बीकॉम और बीआर सोशल का बताया है, थोड़ा मोड़ा पेमेंट बढ़ा भी सकते हो अगर आप एग्रीकल्चर मैथ बायो वाले में हो तो 5000 कर लेना इसको, मतलब ये मैक्सिमम मैंने बताया है इतने पे आपका पेमेंट हो जाएगा। और कब तक पे करना है मैं ये भी समझाऊंगा आपको। अगर ये चीज आप एफिलेटेड में जाते हो, देखिए यहां पे मैं यूजी का बता दिया, पीजी का मैं क्लियर कर दूंगा कि पीजी की जो कोर्सेज के फी है वो पेमेंट आपका चैनल पे गया हुआ है, पार्टिकुलर बताया गया है कि इस कोर्स में कितने फी लगेंगे, तो आप अपने अकाउंट में इतना पैसा सेव करके रख लोगे, ठीक है। अगर मैं एफिलेटेड की बात करूं तो एफिलेटेड में सभी कॉलेजेस के अलग अलग फी है, इसका वीडियो गया हुआ है कितना है, उस वीडियो को देख के अपने अकाउंट में उतना पैसा रख लेना, क्योंकि जैसे VCW है, VKM है, AMPG है, इन सभी के अगर मैं बस एग्जाम्पल आपके BA का रखूं तो इन लोग में लगभग 7000 5 से ऊपर, मतलब 7000-8000 तक रेगुलर फी है, पेड का नहीं, रेगुलर का। पेड में जाओगे तो 15,000 से 20,000 हो जाएगा, तो अपने हिसाब से देख लेना। और एक चीज और, ये तो रेगुलर एफएमसी में 3000 यूजी कोर्स का मैं बताया, अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके रैंक अच्छे हॉस्टल मिल रहा है, तो 5000 रुपए आप एडिशनल रख लेना और पेमेंट के लिए, लेकिन वो मैं स्पेशल बता दूंगा। अभी मनोज सर आ रहे हैं तो मनोज सर हॉस्टल स्पेशलिस्ट है भाई, वो तो पूरा आपको अच्छे से डिटेल में समझा देंगे। तो उसके बाद आप पेमेंट मूड क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पेमेंट मूड जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है, होता है, मतलब पेमेंट आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, ऑफलाइन में कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन का थोड़ा सा लोचा है, कहानी बदल जाती है। यहां पे चालान जनरेट कराना पड़ेगा, फिर आप बैंक में जाके उसे पे करोगे, फिर वहां से चालान मिलेगा, फिर उसको जाके ऑफिस में सबमिट करोगे, दौड़ा धूप, समझ रहे हो ना। ऑनलाइन में कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही आप काउंसलिंग कराते हो, जिस दिन सपोज 14 तारीख को किसी की काउंसलिंग हुई, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, मतलब जब काउंसलिंग करा के जाओगे शाम को 6 बजे तक, आपके कोर्स में कोर्स अलोकेशन मतलब कोर्स अलॉटमेंट का कुछ डैशबोर्ड लोकेट होने लगेगा। अगर जैसे ही आपके कोर्स में दिख गया है कि यू
सेलेक्टेड फॉर या यू अलॉटेड फॉर दिस कोर्स दिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बस समझ लेना उसी के बगल में एक आइकन आ जाएगा पेमेंट का, ठीक है। वो मैं बताऊंगा डिटेल में कैसे पेमेंट करना है, बस उस टाइम तुरंत उसको पेमेंट कर देना, क्योंकि पेमेंट की जो टाइम आवर रखी जाती है वो 24 घंटे मैक्सिमम रखी जाती है। हो सकता है एक बार थोड़ा बदल जाए, 24 से 48 घंटा भी कर सकते हैं लोग क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन फिर भी 24 घंटा आप मान के चलो कि आपको इतने टाइम में पेमेंट करना होता है, और पेमेंट भूल गए तो एडमिशन भूल जाना, ये समझ लेना एक बहुत क्रिटिकल टाइम है, मतलब सिचुएशन होता है। तो ये पेमेंट भूल गए एडमिशन भूल जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि काउंसलिंग सभी को कराना ही कराना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग मतलब आपका पूरा फ्यूचर बदल सकते हैं। वैसा भी लड़का सीट पा सकता है जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो, बस उसको कॉल लेटर इशू हुआ हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि काउंसलिंग अगर मौका मिले तो कराओ, एक एक्सपीरियंस होगा, एक अनुभव मिलता है। चलो भाई दबे, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो मैं पूरा मोटी मोटा आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि यूजी में 3000 रुपए अकाउंट में सेव करके रख लेना, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऑनलाइन ही, ये मैं बताऊंगा कि कैसे पेमेंट करना है ऑनलाइन मेथड से करना, क्योंकि चलान वगैरह से बच जाओगे। और हॉस्टल में जा रहे हो तो 10000 रुपए एक्स्ट्रा रख लेना, तो ये बहुत ज्यादा रकम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। आई होप कि भाई यूनिवर्सिटी पढ़ने आ रहे हो तो इतना, भाई कहीं यूनिवर्सिटी में जाओगे तो कितना पैसा लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें थोड़ा रेगुलेटेड है और हर कोई इसको हैंडल कर सकता है। मैं भी इसी किसी कोर्स में आता हूँ, मैं भी हैंडल कर लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छे से स्माइल रहे चेहरे पे, कॉन्फिडेंस रहे और एकदम एनर्जेटिक रहो, सैड मत होना, हैप्पी रहो, अपने गार्जियन से बात करते रहो, नंबर्स कम आए तो उनसे बोलो, जाके बात करो, बताओ नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगा। तो बस बेहतरीन एकदम बस तैयारी कर लो काउंसलिंग का, नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करो भाई, 4 महीने बाद फिर से फॉर्म आ रहा है, कौन सा बड़ा कुछ हमारा खो गया लॉस हो गया, और हम तो है ही यहाँ पे। जैसे मैंने इतना किया ना, 4 महीने तक और लगा रहूंगा, फिर से न्यू बैच ला रहा हूं, फिर से तैयारी करो मेरे साथ। और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे न्यू बैच के लिए आप अपना नेम, अपना कोर्स और अपना मीडिया मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कैसे नए सेशन में इन्वॉल्वमेंट होना है। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइल, की वाचिंग, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।